प्रोग्राम अब तक, और प्रोग्राम अब तक में अब हादसे की खबर आपको बताते चले। किश्तवाड़ में दिलदोज हादसा है। कुछ खबरें हैं कि दो लोगों की मौत वाकई हुई और कुछ लोग बताते हैं कि 10 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 10 से ज्यादा जख्मी, ये सवाल है। बॉर्डर के गुलाबगढ़ से हाकू की तरफ जा रही सोमो गाड़ी ड्राइवर्स के काबू से बाहर होकर हाकू के मुकाम पर गहरी खाई में जा गिरी और इसके नतीजे में 10 से ज्यादा के करीब जो लोग थे वो इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने बताया कि दो लोगों की मौत वाका हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, सीधा हम किश्तवाड़ चलेंगे, अजय शान हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे। अजय शान से हम जानेंगे कि हादसा किस तरह से पेश आया, कहाँ पर पेश आया और क्या है इसकी तफसीलात। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को ये हादसा कितना कहाँ पे पेश आया। खित्ते चिनाब में अक्सर हादसे होते रहते हैं और आज के हादसे की वजह कोई मालूम हो सकी? असल देखिए, आज देर शाम को ये हादसा जो है वहां पर ये सोमो जो है हादसे का शिकार हो गई। तो की वहां पर बहुत सारी पहले पिछले जैसे कहीं ना कहीं ड्राइवर है वो बैठा, 13 2 बच्चे और 11 इसमें बैठे हुए थे। ये गाड़ी हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मतलब इन सबको गुलाबगढ़ माफी अठौली के अस्पताल लाया गया, जहां पर दो एक बच्चा और एक दूसरे यात्री को डेड डिक्लेयर किया गया, जबकि 11 लोग को वहां पर फर्स्ट एड देने के बाद अभी जो हमारे पास अपडेट आया है कि 6 जो जख्मी है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रश किया गया है, जिनको किश्तवाड़ पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो अभी तक यही अपडेट है कि 2 की मौत हो चुकी है, 4 लोग सीधी तौर पर जख्मी है और बाकी का जो है मकामी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अजय, 2 लोगों की मौत हुई है, 4 जख्मी है, कुल मिला के घायल कितने हैं अब, क्योंकि 2 लोग जो मर गए हैं तो कुल मिला के थोड़ा बताइएगा कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? जी, जो फाइनल फिगर हमारे पास आई है कि 2 बच्चों के समेत टोटल 13 लोग इसमें सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर और 12 पैसेंजर्स थे, जिनमें 2 बच्चे थे, यानी 13 लोग थे। अजय, कभी इस गाड़ी में बैठे हैं सोमो में? यूजुअली कितने लोग इसमें आ सकते हैं? 13 लोग बैठे थे, कहाँ कहाँ बैठे थे? ये ड्राइवर के कांधे पे, ड्राइवर के सर पे कितने लोग बैठे थे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गाड़ी ओवरलोड थी, जो 8 सवारियां जहाँ होनी चाहिए 8 और 9 के बीच में, वहाँ पर 13 पैसेंजर आ रहे हैं। बेशक हम 2 बच्चों को माइनस कर लें, वो गोद में थे, लेकिन फिर भी 11 पैसेंजर ड्राइवर के समेत यहाँ उस पर बैठे हुए थे। ये दूसरे मामला ये है कि जो दूर दराज के इलाके हमारे हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं है, फील्ड स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो जो गरीब जनता है उनका इस्तेमाल करती है, उनको जबरदस्ती वहाँ पर ट्रैफिक की उतनी मूवमेंट नहीं होती और उनको जबरदस्ती इन गाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी जानें भी गंवानी पड़ती हैं। तो जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी दूर दराज, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, आरटीओ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, आरटीओ वगैरह है वहाँ पे या राम भरोसे सारा डिस्ट्रिक्ट ही है? देखिए, जो एआरटीओ है या जो भी ट्रैफिक का अमला है वो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और आसपास के इलाकों में मिलेगा। जो ये हाकू इलाका है ये काफी दूर दराज का इलाका है, जो मचेल माता श्राइन का जो रास्ता जाता है उसी रास्ते से एक तरफ ये हाकू का रास्ता भी निकलता है, तो उस तरफ आपको पुलिस का भी हमला नहीं मिलेगा, क्योंकि गुलाबगढ़ के आगे जो नाके हैं वहां पर कुछ पुलिस के हमला जरूर मिलेगा, लेकिन रास्ते में ऑन द वे आपको कोई ना ट्रैफिक वाला मिलेगा ना पुलिस वाला मिलेगा, तो उसके चलते वहां पर ट्रांसपोर्टर्स हों ड्राइवर्स हों उनकी मनमानी चलती रहती है, जो गरीब आवाम है उनसे कहीं ना कहीं उनकी जो मजबूरी है उसका फायदा उठाया जाता है, ओवरलोड गाड़ियां अक्सर वहां देखने को मिलती हैं। अजय, बहुत शुक्रिया, कितना अफसोस करें, इस वाक्य पे बहुत कम है और शायद हमारे जो इदारे हैं, पिछले हफ्ते बारामूला के उड़ी में ऐसा ही हादसा हुआ था, वहाँ पे ओवरलोड भी था उस गाड़ी में और बारिश में तब स्लिप वगैरह थी, आज बारिश भी नहीं थी, आज स्लिप भी नहीं थी और ये गाड़ी का हादसा साफ जाहिर है ओवरलोडिंग की वजह से हुआ। और यहाँ पे कम अज कम अगर एक बार हमारी इंतजामिया हरकत में आती, इस ज़िले के अहदेदारों को 2-4 को सस्पेंड किया जाता, 2-4 से पूछा जाता कि आपके इलाके में ये क्या हो रहा है, तो शायद खित्ते चिनाब में हादसे कम हो जाते। लेकिन हम यही बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारी इंतजामिया यही कहती है कि रात गई तो बात गई, आज रात देर गए तक बड़ा वाविला होगा, एक्सग्रेशिया की बात सरकार करेगी, सरकार डीसी से पूछेगी, आप पहुंचे वहां पे, सरकार अस्पताल जाने की बात करेगी, बाकी चीज़ें करेंगी, लेकिन 2 दिन के बाद फिर इन्हीं गाड़ियों में इसी तरह का होगा, किसी के सर या कोई भी इसके लिए जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। अगर दुनिया के किसी महज़ब इलाके में ये वाक़ा पेश आया होता तो वहाँ सरकार गिर गई होती, क्योंकि 15 दिनों में इस तरह के 2 हादसे होना खुद
अपने आप में बयान करता है कि इंसानी जानों की कितनी कदर कीमत है यहाँ पे। तो इस हादसे के बाद इतना ही कहा जा सकते हैं कि तेरा खुदा हाफिज है।